हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथ्स गुरु। आज हम लोग बात कर रहे हैं एक ऐसे टॉपिक की जो पॉलिटेक्निक के एंट्रेंस एग्ज़ाम में पूछा जाता है। पॉलिटेक्निक के एंट्रेंस एग्ज़ाम की टेंटेटिव डेट बोर्ड ने बता रखी है 26 अप्रैल 26 अप्रैल को ए ग्रुप का पेपर होगा। तो उसी ए ग्रुप की तैयारी के लिए हम लोग ये बैच चला रहे हैं। इसमें लगभग रोज़ आपको कुछ ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे जो एंट्रेंस एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, और हर संडे को आपको एक पेपर की वीडियो मिल जाएगी। मतलब एक पूरा पेपर हम लोग सॉल्व करेंगे हर संडे को। तो जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें चैनल को, क्योंकि अब हम लोग पॉलिटेक्निक के एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी करने जा रहे हैं ग्रुप ए की, जो कि पेपर होगा 26 अप्रैल को। सबसे पहले हम लोग मैथ के बारे में पढ़ेंगे। इसमें मैथ के बारे में अगर बात करें तो एक क्वेश्चन जो है वो लगभग हर एग्ज़ाम में आता है। हर एग्ज़ाम मतलब हर साल के एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन देखा जाता है। उसमें सबसे पहला टाइप आता है x प्लस वन बाई एक्स टाइप का क्वेश्चन। x प्लस वन बाई एक्स टाइप का क्वेश्चन, ये x प्लस वन बाई एक्स टाइप का क्वेश्चन क्या है? इसमें आपको x प्लस वन बाई एक्स बराबर कुछ दिया जाएगा k, और फिर आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि इसकी वैल्यू बताइए, इसकी वैल्यू बताइए। इस टाइप के क्वेश्चन करने हैं इसमें। इसमें सबसे पहला टाइप बनता है x प्लस वन बाई एक्स इज इक्वल वन टाइप का क्वेश्चन। अगर x प्लस वन बाई एक्स की वैल्यू 1 आ गई तो इन सब का आंसर कैसे निकलेगा, हम उसकी बात करेंगे। तो जैसे मान लीजिए दिया हुआ है x प्लस वन बाई एक्स इज इक्वल 1। हम चाहे यहाँ एलसीएम ले सकते हैं, x का x में गुणा करेंगे कितना आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटे में कितना, x बराबर 1। ये 1 बटे में इधर जाएगा तो गुणे में जाएगा, कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बराबर x। ये प्लस का x इधर ले आए तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 बराबर 0। अब इसको अगर ध्यान से देखें तो ये क्या लिखा हुआ है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। ये क्या लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस वन स्क्वायर। अगर ये x इधर बुला ले तो माइनस एक्स इंटू वन इज इक्वल जीरो। ये बन गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। अगर आपको याद हो तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी ये किस फॉर्मूले में होता है, अगर इसमें ए प्लस बी का मल्टीप्लाई कर दें तो ये बन जाता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब। तो यहां पर क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, तो इसमें किसका मल्टीप्लाई कर दें, ए प्लस बी का, मीन्स एक्स प्लस वन का इधर मल्टीप्लाई कर दें और एक्स प्लस वन का इधर मल्टीप्लाई कर दें, तो क्या बन जाएगा ये, ए क्यूब प्लस बी क्यूब। अब ए की जगह एक्स है तो एक्स क्यूब प्लस ए क्यूब बराबर कितना, जीरो। ये हम कह सकते हैं एक्स क्यूब प्लस एक बराबर जीरो। ये रिजल्ट बन जाएगा कि अगर x प्लस एक बटा एक्स बराबर एक है, x प्लस एक बटा एक्स बराबर एक है, तो x क्यूब प्लस एक बराबर कितना हो जाएगा, जीरो। अब इस चीज़ को ध्यान से समझें, अगर इसमें दोनों तरफ x क्यूब से गुणा करें तो x की घात 6 प्लस एक्स क्यूब बराबर जीरो, फिर x क्यूब का गुणा करें तो x की घात 6 3 9 और यहाँ पर 3 3 6 बराबर जीरो। ये बताइए यहाँ x की पावर में कितना डिफरेंस है, 6 में से 3 का कितना आया, 3, तो अगर 3 का डिफरेंस आएगा तो आंसर कितना बनेगा, 0। यहाँ पावर में कितना डिफरेंस है, 3 का, 9 में से 6 गया 3, तो अगर x की पावर में 3 का डिफरेंस आएगा तो आंसर कितना बनेगा, 0। इसी तरह से यहाँ देखें x की पावर 3 है, यहाँ 1 का मतलब हम x की पावर 0 लिख सकते हैं, तो घात में कितने का अंतर आया, 3 का, तो आंसर कितना आया, 0। मतलब जब भी x प्लस एक बटा एक्स बराबर एक आएगा तो हम क्या करेंगे, घात में 3 का अंतर ढूंढेंगे और उसको बराबर कर देंगे किसके, जीरो के। जैसे इस सवाल पे आइए, इस सवाल में कह रहा है कि x की घात कितना है, 3, यहाँ कितना है, 6, अंतर कितने का, 3 का, 6 में से 3 घटाएंगे 3, तो 3 के अंतर पे आंसर कितना है, जीरो। 12 में से 9 के आंसर कितना, जीरो। 18 माइनस 15 आंसर 3, डिफरेंस 3 आएगा ना, तो 3 के डिफरेंस पे आंसर कितना हो जाएगा, जीरो। यहाँ पर देखें 21 24 अंतर कितना, 3, तो 3 के अंतर पे आंसर कितना, 0, 0 गुणे 3, 0, तो आंसर कितना आ गया, माइनस 2, इसका आंसर हो जाएगा माइनस 2। यहाँ पर देखें तो 1 बटा एक्स, अगर ये ऊपर जाएगा तो x की घात माइनस 1 बनेगा, 2 में से माइनस 1 घटाएंगे तो 2 माइनस माइनस 1 माइनस माइनस प्लस 2 और ये कितना हो जाएगा, 3, तो अंतर 3, इसीलिए आंसर 0। एक्स क्यूब प्लस 1 ये तो होता ही है 0। एक्स की घात 6 और 9, 6 में से 9 गया 3, डिफरेंस तो 3 ही आएगा, माइनस है प्लस है इसीलिए 0। 12 3 15 0। 7 में से 4 घटाएंगे 3, पावर में डिफरेंस 3 का तो 0। यहाँ 11 में से 8 गया 3, 0। 15 में से 12 गया 3, 0। अब 0 का गुणा 3 में करेंगे तो 0 ही आएगा।
ऐसे यहां पर देखें तो 112 और 15 अंतर लेंगे, या ऐसा कर सकते हैं यहां पर x की घात 112 कॉमन कर लीजिए, अंदर कितना बचेगा 1 प्लस में यहां कितना x क्यूब, तो x क्यूब प्लस 1 कॉमन 0, तो ये पूरा कितना 0। चाहे आप पूरा लिख के करें चाहे सीधे आंसर टिक करें, क्यों, क्योंकि आपको तो ऑब्जेक्टिव टिक करना है, तो इसीलिए 121 में से 118 गया, 3 का अंतर 0, 27 माइनस 24 कितना आया 0, बच गया कितना 3, तो इसका आंसर कितना बनेगा 3। यहां पर देखें तो x की घात 5 x की घात 8 अंतर 3 का है, तो आंसर कितना आ जाएगा 0। यहां पहले माइनस कॉमन कर लें, माइनस कॉमन करते ही अंदर क्या हो जाएगा प्लस, यहां भी माइनस कॉमन कर लेंगे अंदर कितना हो जाएगा प्लस, 12 और 9 अंतर कितना आया 3 का, 3 के अंतर पे आंसर 0 0। यहां कितना आ गया 3x क्यूब, अब ध्यान से देखें यहां x क्यूब की वैल्यू कितनी आएगी यहां से -1, तो यहां कितना हो जाएगा 3 × -1 यानी -3, इसका आंसर आ जाएगा -3। इसका आंसर कितना होगा 1/x है, जब ये ऊपर जाएगा तो x की घात -1 बनेगा, 2 − -1 3 ही आएगा, तो आंसर 0। सेम उसी तरह से ये भी 0, x क्यूब 1 का मान तो 0 होता ही, ये भी 0, इसका आंसर आ जाएगा 0। हमें कुल मिला के घात में 3 का अंतर ढूंढना है, यहां पर 3 है यहां 1 है, तो x की घात 0 लिख सकते हैं, 3 − 0 3 कैंसिल हो जाएगा, 9 और 6 का अंतर 3 कैंसिल हो जाएगा, यहां माइनस कॉमन लेंगे अंदर कितना बचेगा 3, x की घात में कितना 12 प्लस x की घात 15, तो 15 − 12 3, ये भी आंसर 0, तो इसका भी आंसर हो जाएगा 0। तो एक बात समझ में आई कि अगर x प्लस 1/x बराबर 1 हो तो x क्यूब प्लस 1 बराबर कितना हो जाएगा 0, कैसे ये हम लोगों ने प्रूव किया इसको। अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन का टाइप कौन सा है, x प्लस 1/x बराबर √3। यहां से भी हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे, तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² प्लस 2 × x × 1/x बराबर √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 3। हमने किया क्या है, इन्हीं में दोनों पक्षों का वर्ग कर दिया है, यहां से x और x कैंसिल, तो x² प्लस 1/x² बराबर कितना आ जाएगा 3, प्लस का 2 उधर गया तो माइनस का 2, 3 में से 2 गया तो कितना आया 1, x² प्लस 1/x² कितना आ गया 1, x का इधर गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा x की घात 4 प्लस 1/x² बराबर 1, जब इसका तिरछा गुणा करेंगे तो यही आएगा, ये x स्क्वायर इधर जाके गुणा होगा कितना आ जाएगा x की घात 4 प्लस 1 बराबर x का स्क्वायर, प्लस का x स्क्वायर इधर आएगा तो माइनस का x स्क्वायर प्लस में 1 बराबर 0। अब इसको ध्यान से देखें, ये x की घात 4 को हम लिखना चाहें तो x स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, ये 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं, ये पूरी बात क्या लिखी हुई है ध्यान से सुने, ये लिखा हुआ है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए की जगह एक्स स्क्वायर गुणे में एक का गुणा करेंगे वही आएगा, तो कितने की कमी है यहां पर, ये कौन सा फार्मूला है, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर बराबर कितना दिया हुआ है 0। कितने का गुणा कर दें यहां पर ए प्लस बी का, इधर ए प्लस बी का गुणा करने का कोई मतलब नहीं, 0 ही होगा, तो इधर 0 ही रहने दें, ये बन जाता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब, तो यहां पर भी हम किसका गुणा करेंगे ए प्लस बी का, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस एक का, अंदर कितना है एक्स स्क्वायर का स्क्वायर प्लस एक का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर बराबर 0। अब ध्यान से देखें, यह है ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए की जगह है एक्स स्क्वायर, इसका क्यूब प्लस एक का क्यूब बराबर 0, तो 2 × 3 = 6, एक्स की घात 6 प्लस 1 बराबर 0। इसके पहले वाले में एक्स क्यूब प्लस 1 बराबर 0 आया था, तो वहां घात का अंतर कितना बना था 3, यहां x की घात 6 प्लस 1 बराबर 0 आया, तो घात का अंतर कितना बनेगा 6, यानी वहां 3 घात के अंतर पे 0 हो रहा था, तो यहां कितने घात के अंतर पे 0 होगा 6 घात के अंतर पे। इससे हमें यह चीज समझ में आई कि अगर x प्लस 1/x बराबर √3 दे दिया जाए तो x की घात 6 प्लस 1 बराबर कितना हो जाएगा 0, यानी 6 घात का अंतर ढूंढिए और उसको कितना कर दीजिए 0। अब देखिए यहां पर 12 और 6 कितने घात का अंतर है, 6 घात का अंतर है, 6 घात का अंतर है तो कितना हो जाएगा 0। अब चाहे इसको लिख के भी करिए तब भी उतना ही आएगा, यहाँ x की घात 6 कॉमन ले लीजिए, तो x की घात 6 कॉमन लेते हैं अंदर कितना बचेगा 1 प्लस x की घात 6, तो 1 प्लस x की घात 6 का मान तो 0 ही होता है ना, तो वहाँ लिख के तो आपको करना नहीं है, बहुविकल पे टिक करना है, तो 6 के अंतर पे 0, 24 और 18 6 का अंतर 0, यहाँ 30 क्वेश्चन लिखने में गड़बड़ी हुई, यहाँ 30 है, अगर देखा जाए 30 तो x की घात 6 बराबर कितना होगा -1,
अगर x की घात 6 की घात 5 कर दिया जाए तो माइनस 1 की घात कितना हो जाएगा, 5, 6 पंचे 30, माइनस 1 की घात 5, माइनस 1, तो x की घात 30 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस 1, ये हो गया माइनस 1, 3 में से 1 गया 2, तो ये प्लस में हो जाएगा, 2, 2 को लिखना चाहे तो प्लस 1, प्लस 1, x की घात 6 प्लस 1 का मान 0, बच गया कितना 1, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 1, ये 1 बटा x की घात 3 है, ऊपर जाएगा तो x की घात माइनस 3 होगा, 3 माइनस माइनस 3 कितना हो जाएगा 6, तो 6 के अंतर पर 0, 18 में से 12 घटाए 6, अंतर 0, 22 में से 16 घटाए 6, अंतर 0, तो यहां पर कितना आ जाएगा माइनस 2, आंसर कितना आएगा इसका माइनस 2, 6 के अंतर पे 0 होगा, 18 और 12 एक पेयर बना 0, 24 और 30 6 के अंतर पे 0, 36 और 36 ये हो, यहाँ 30 होगा 36 और ये होगा 42, 36 और 6, 6 के अंतर पर 0, आगे इनका भी पेयर बनेगा, ये भी बनेंगे, ये भी बनेंगे, ये तीनों कैंसिल हो जाएंगे, आंसर कितना आ जाएगा 0, यहाँ पर ये 1 बटा x है, ऊपर जाएगा तो x की घात माइनस 1, 5 माइनस माइनस 1, 6 के अंतर पे ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर भी कैंसिल, आंसर कितना बचेगा रूट 2, 108 में से 102 घटाएंगे 6 का अंतर, 115 में से 9 घटाएंगे 6 का अंतर, माइनस कॉमन लेंगे तो अंदर क्या बचेगा प्लस, 126 में से 20 घटाएंगे 6 का अंतर, सब कैंसिल होकर आंसर आ जाएगा 0। तो ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करते समय आपको बहुत ज़्यादा लिखना नहीं है, बस आपको ये चेक करना है कि x प्लस 1 बटा x बराबर अगर 1 दिया है तो 3 के अंतर पे 0 करें, x प्लस 1 बटा x बराबर अंडर रूट 3 दिया है तो 6 के अंतर पे 0 करें, ये बात अगर आप नोट करना चाहें नोट कर लें। अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे कि इसका तीसरा टाइप x प्लस 1 बटा x बराबर 2, यही तीन टाइप मेन होते हैं, यही तीन टाइप से ही क्वेश्चन आते हैं, और बाकी जनरल वैल्यू के लिए तो हम लोग आगे देखेंगे।